हैप्पी दिवाली एवरीवन। आप सभी के लिए ये दिवाली जो गई है बहुत सारी आपकी लाइफ से नेगेटिविटी लेकर चली जाए और आपकी लाइफ में बहुत सारी बरकत लेके आए। एंड ऑल्सो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करूँ लाइव आऊँ आप लोग को अपडेट आ जाए। साथ ही साथ इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पर भी फॉलो कर लेना बिकॉज वहाँ पर क्विक अपडेट सारी आती रहती हैं। ठीक है, इस वीडियो को आपने देखना एज़ पर योर सन साइन जोडियक साइन मून साइन के हिसाब से देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। टैरो कार्ड्स में कहा जाता है कि जो भी जोडियक साइन से आप सबसे ज़्यादा कनेक्ट होते हो ना उसके हिसाब से देखना, राइट गाइडेंस मिलेगी। ओके, सो बाकी मेरे बहुत से व्यूवर्स ना दो राशि कंबाइन करके भी देखते हैं, बट खैर जैसी आपकी मर्जी, गो विद योर इंट्यूशन, राइट गाइडेंस ज़रूर मिलेगी। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प्स ऐड कर दूंगी, वहाँ से भी आपको अपडेट आ जाएगा एंड स्क्रीन पर भी राशि के नाम्स लिख दूंगी तो इजी हो जाएगा आप लोग के लिए अपनी राशि अनुसार वीडियो देखने के लिए। बाकी कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलना रीडिंग कैसी लगी। आप सभी लोगों के कमेंट्स पढ़ना मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता है, मेरे लिए वो मोटिवेशन का काम करता है। सो ज़रूर मुझे लिखकर बताइएगा रीडिंग कैसी लगी है। ओके, थैंक यू सो मच। अब आपकी रीडिंग स्टार्ट कर लेते हैं। हेलो मेष राशि, सो जान लेते हैं हफ्ता आप लोग के लिए कैसा होने वाला है, क्या गाइडेंस और क्या मैसेजेस आ रहे हैं। ओके, सो यहाँ पर सबसे पहला कार्ड है, दिस इज़ द नाइन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड्स है, जजमेंट और टू ऑफ पेंटिकल्स। तो अब यहाँ पर हो क्या रहा है कि मेष राशि वालों के लिए हफ्ते में थोड़ा बहुत तनाव ज़रूर रहेगा हफ्ते की शुरुआत में। मे भी कोई ना कोई बात को लेके ना मन घबराया हुआ है, बहुत टाइम से किसी चीज़ के लिए प्रार्थना कर रहे हो, मन्नत मांग रहे हो, बट वो चीज़ें वैसी आपके लिए वर्कआउट नहीं हो पा रही हैं। बट मिड वीक में थोड़ी सी राहत आएगी बिकॉज यहाँ पे जजमेंट के कार्ड्स आए हैं जो ये आपको संकेत देंगे किसी न किसी रूप में आपके कोई काम में ना एक कदम आगे बढ़ेगा, कोई डॉक्यूमेंट्स क्लियर होंगे, जॉब देख रहे हो तो कोई जॉब की अच्छी अपॉर्चुनिटी आएगी। बट तब भी हफ्ते में अगर आप ध्यान से देखें, ये जो सबसे पहला कार्ड है नाइन ऑफ वॉन्ड्स का, ये इंडिकेट करता है कि समवेयर और दी अदर मन ना घबराया हुआ है, आगे की फ्यूचर को लेकर डरा हुआ है, लेकिन गिव अप भी नहीं करना है, आपने आगे बढ़ते चले जाना है। देखो ऑनेस्टली आई बी वेरी फ्रैंक मेष राशि, ये हफ्ता थोड़ा सा आप लोग को स्लो फील होगा बिकॉज यहाँ पे टू ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड है, तो फाइनेंशियली भी इमोशनली मेंटली ऐसे ना लगेगा जैसे आपको बड़ा एफर्ट डालना पड़ रहा है, बड़ा प्रेशर करना पड़ रहा है। आपको एक चीज़ का ध्यान रखना, अपनी रूटीन और अपने कंफर्ट जोन से निकल कर कुछ हटके करना होगा तब आपको सक्सेस मिलेगी, तब आपकी लाइफ में कुछ पॉजिटिविटी आपको देखने मिलेगी। अगर आपको लग रहा है आप सेम चीज़ रिपीट करो और आपको कुछ डिफरेंट सक्सेस मिलेगी तो वो पॉसिबल होता हुआ नहीं दिखता है, कुछ ना कुछ एफर्ट्स बढ़ाने पड़ेंगे, कोशिशें। अभी तक आपको लग रहा है कि आप 100% करो तो उसमें और आपको 50% एफर्ट्स बढ़ानी होगी तब जाके वो रिजल्ट्स आपको मिलेंगे, ये कार्ड्स कह रहे हैं, मैं नहीं कह रही हूँ। दूसरी चीज़ ये है कि फाइनेंशियली आपको लगेगा कि एवरेज वीक ये रहेगा बिकॉज इन अ वे जब टू ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड जाते हैं तो ये कहते हैं कि पैसा आ तो रहा है लेकिन पैसा जा भी जल्दी रहा है, तो सेविंग्स नहीं हो पा रही हैं, तो फाइनेंशियली बहुत मल्टीटास्किंग हो रही है, बहुत सारी चीज़ों में मे बी आप ऑक्यूपाइड हो, समझ नहीं पा रहे हो, तो क्लैरिटी नहीं है, तो ये प्रकार की एक एनर्जी ज़रूर यहाँ पर दिख रही है। और भी अगर मैं गाइडेंस कार्ड आपके लिए पुल आउट कर लेती हूँ, देखो हेल्थ नॉर्मल है, हेल्थ मैं कहूँगी कि आप लोगों की नो स्ट्रेस्ड रहोगे बट वैसे अदरवाइज इट्स स्टिल फाइन, टेक टाइम टू ब्रीद आउट। अब तनाव इतना ज़्यादा है इस वजह से नो कार्ड्स कह रहे हैं ओके नथिंग विल कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन। एक चीज़ का ध्यान रखना, किसी भी चीज़ में आप बहुत ज़्यादा यू नो कोशिश करो कि ये चीज़ मेरे हिसाब से हो जाए, मेरे हिसाब से हो जाए, अगर वो हो रही है तो अच्छी बात है, लेकिन आपको लग रहा है कि आप उस चीज़ को सोच सोच के और ड्रेन करते जा रहे हो अपने आप को, सो इट्स बेटर कि उसके बारे में आप थोड़ा सा ना भगवान पे समर्पण कर दो और जितना कर सकते हो उतना करो, बिकॉज ये कार्ड्स आपको गाइडेंस दे रहे हैं कि ना शायद जिस सिचुएशन में आप स्टक हो उसमें समर्पण करना ज़्यादा बेहतर होगा। सो रेस्ट भी देना है, काम भी करना है, एंड ऑल ओवर ये थोड़ा एवरेज वीक मुझे दिखाई दे रहा है। इन टर्म्स ऑफ जॉब कम चांसेस है कि जॉब आपको मिले, जो जॉब में हो या जो बिजनेस में हो वो एवरेज चलेगा, कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी नहीं दिख रहा है इस हफ्ते। एजुकेशन में हो, रिलेशनशिप में हो, एफर्ट्स डालने पड़ेंगे तब जाके आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, मे बी वो कोई मिसकम्युनिकेशन है, कोई इश्यूज। अब ये नहीं कि सारे मेष राशियों की लाइफ में नो रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स चल रही हैं या नो काम में चल रही है, कोई एक सेक्टर में आप इश्यूज फेस कर सकते हो, बट ऑल ओवर ना एनर्जी आप लोग को थोड़ी डल लगेगी, थोड़ा सा आपको नो ऐसा लगेगा कि यार क्या ही करना है, ये क्या करना है। बेस्ट है कि इस हफ्ते जितना स्पिरिचुअल होकर इस हफ्ते को बिता सकते हो, मेडिटेशन करो, योगा करो, पॉजिटिव बात
बातें सुनो, पॉजिटिव बुक्स पढ़ो, मन पॉजिटिव रहेगा, परिस्थिति बदलेगी, ये कोशिश आपने इस हफ्ते करनी है, ना कि ये क्यों नहीं हो रहा, कंप्लेंट नहीं करनी है, वो क्यों नहीं हो रहा, उसने ऐसा क्यों किया, ये क्यों हुआ, और नेगेटिविटी अट्रैक्ट करोगे, वो मत करना, ठीक है। ये सबसे बेस्ट एडवाइस आई है आप लोगों के लिए फॉर दिस वीक। आई होप इससे आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हो। कमेंट बॉक्स में बताना रीडिंग कैसी लगी है। सो चलते हैं हमारी अगली राशि की ओर जो है टॉरस। टॉरस राशि वालों के लिए देख लेते क्या मैसेजेस आ रहे हैं। ओके टॉरस, देखो सबसे पहला जो कार्ड आ गया है दैट इज़ दी सिक्स ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स एंड सेवन ऑफ कप्स, सारे इमोशनल कार्ड्स आ गए। पहली चीज़ तो ये हफ्ता बड़ा ही इमोशनल जाएगा आप लोगों के लिए। टॉरस राशि वाले कहीं ना कहीं अपने पार्टनर के लिए, अपने घर वालों के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डालेंगे, कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, लाइक एफर्ट्स और कॉम्प्रोमाइज़ ऐसा जो शायद सामने वाले को इतनी आपकी कदर ना हो, लेकिन आप अपनी तरफ से नो प्यार से खुशी से चीज़ दे दोगे या कर दोगे कि चल भाई तीनों तेरे लिए मैं ये कर देता हूँ, तू ये ले ले यार, नो ऑल दोज थिंग्स, जैसे प्यार से हम करते ना वो वाली वाइब्रेशंस आपकी रहेंगी, घर परिवार में आपकी सुख शांति रहेगी, रिलेशनशिप में रिकन्सिलेशन हार्मनी आती हुई दिख रही है। एंड ऑल्सो सेवन ऑफ कप्स बताते हैं कि आपकी लाइफ में कुछ चीज़ों को लेकर आप कन्फ्यूज हो, बाई एंड ऑफ द वीक में कोई डिसीजन आपको लेना, मन बेचैन हो रहा है, बट थोड़े समय के लिए रहेगा बिकॉज अपॉर्चुनिटी आती हुई दिख रही है। सो जितने भी लोग आप जॉब को लेके परेशान है, जॉब आती हुई दिख रही है, मन में नो शांति रहेगी आपके, पैसा बनता हुआ दिख रहा है, आता हुआ दिख रहा है, बिजनेस में एक आपको अपॉर्चुनिटी ग्रोथ दिखेगी, ऑल ओवर कोई वुमेन की ब्लेसिंग्स भी आपके पास ज़रूर कृपा रहेगी, चाहे वो आपकी मदर के रूप में हो, बहन के रूप में हो, कोई देवी के रूप में हो, जिसको भी आप इनो मानते हैं, कोई ना कोई फीमेल आके आपकी मदद कर सकती हैं, ब्लेसिंग्स देती हुई दिख रही हैं, तो ज़रूर आप उनकी ब्लेसिंग्स लें। आपकी लाइफ में जितनी भी फीमेल्स हैं, आस्क फॉर देयर ब्लेसिंग्स, इस हफ्ते में आप लोगों के लिए अच्छा माना जाएगा। उसके अलावा लव रिलेशनशिप में पॉजिटिविटी आप देखोगे, फाइनेंसिस में पॉजिटिविटी है, एजुकेशन में एफर्ट्स डालोगे, रिजल्ट आते हुए दिख रहे हैं। बहुत लोग प्रॉपर्टी परचेज कर सकते हैं टॉरस राशि वाले इस हफ्ते में, अगर आप लोग की तैयारी चल रही लैंड परचेज, प्रॉपर्टी परचेज, तो उसके लिए भी योग अच्छे हैं। उसके अलावा कोई बहुत ज़्यादा टेंशन वाले कार्ड्स मेरे को नहीं दिखे हैं टॉरस आप लोगों के लिए। अपॉर्चुनिटीज़ देखो बन रहे हैं योग, अपॉर्चुनिटीज़ तो गिव अप मत करो। जितने भी लोग इनो मे भी कोई एडमिशन करना चाहते हो, जॉब के लिए देख रहे हो, कोई ना कोई अपनी तरफ से ना कोशिशों में लगे हुए हो, तो ये साइन है कि डेफिनेटली वो अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए आती हुई दिख रही है। बिकॉज ये दोनों कार्ड्स अपॉर्चुनिटीज़ के, दोनों कार्ड सक्सेस के हैं, ये दोनों कार्ड उस पीस के हैं, ठीक है। सो ये ऑल ओवर वाइब्रेशंस आप लोगों के लिए दिख रही हैं फॉर दिस वीक। अच्छा, आप लोगों के लिए गाइडेंस कार्ड्स पहले पुल आउट कर लेते हैं क्या आ रहे हैं। प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड, ब्यूटिफुल। ओके, ईगो मत लाइएगा मन में, किसी भी चीज़ का अहंकार ना लेके आए, प्रॉस्पेरिटी बरकत आपकी लाइफ में आती हुई दिख रही है, वो प्रकार की पॉजिटिव एनर्जी ज़रूर बनी हुई दिख रही है, ठीक है। सो नाउ दिस इज़ अ वेरी वेरी पॉजिटिव कार्ड जो आप लोग के लिए इंडिकेशन में आए हैं। सो जो मैं कह रही थी ना कि कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटीज़ बन रही हैं, प्रॉस्पेरिटी आ रही है, तो समझ लो चाहे आप जॉब में ऑलरेडी हो या जॉब ढूंढ रहे हो या पैसे को और बढ़ाना चाहते हो, जो भी आपके मन में विचार है, वो सारे काम बनते हुए दिख रहे हैं। एटलीस्ट उसमें ना स्टेप बाय स्टेप वो चीज़ें होते हुए आपको देखने मिलेंगी। ओके, सो ये थी आप लोग के मैसेजेस टॉरस। कमेंट बॉक्स में बताना रीडिंग कैसी लगी है। चलते हमारी अगली राशि की ओर जो है मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों से देख लेते क्या गाइडेंस और क्या मैसेजेस आ रहे हैं फॉर दिस वीक। ओ क्या बात है मिथुन राशि, क्या बात है इस हफ्ते पैसा बनाओगे, व्यापार में हो, जॉब में हो, जॉब ढूंढ रहे हो, समझ लो काम बन गए। ऑल्सो अगर आप एजुकेशन में हो, अपना करियर बनाना चाहते हो, डिसिप्लिन रहेगा, फोकस रहेगा, जो सोचोगे वो प्राप्त करते हुए दिख रहे हो। अब पैसे की चर्निंग आपकी होने वाली है, अब पैसा बनाते हुए दिख रहे हो, अब रास्ता क्लियर है, मेहनत करने को तैयार हो, एफर्ट्स डालने को तैयार हो, रिजल्ट्स बढ़िया हैं। जितने भी लोग अब्रॉड जाना चाहते हैं प्लानिंग कर रहे हो, काम बनते हुए बढ़िया दिख रहे हैं, बिजनेस ग्रोथ है, अबंडेंस है, प्रॉस्पेरिटी है, गुड लक आता हुआ दिख रहा है, ब्यूटीफुल कॉन्फिडेंट प्रैक्टिकल डेडिकेटेड एनर्जीज दिख रही हैं। द चैरियट के कार्ड जैसे ट्रैवल के युग बड़े हैं,
मैं कहूँगी कि फॉर मिथुन राशि इस हफ्ते में ट्रैवल हो सकता है, चाहे वो 1-2 घंटे का ट्रैवल हो, कोई घूमना फिरना ट्रैवल हो, काम का हो, या अगर आप अब्रॉड जाना चाहते हो, सिटी चेंज करना चाहते हो, टाइप की अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं, ऑल ओवर है, योग हैं. ओके, दूसरी चीज़ पार्टनरशिप, बिजनेस, जॉब, एजुकेशन में बहुत बढ़िया रहेगा. हेल्थ फर्स्ट क्लास रहने वाली है, माइंडसेट बड़ा पॉजिटिव रहेगा, मैनिफेस्टेशंस करते हुए दिख रहे हो, पॉजिटिव रहोगे मेंटली, इमोशनली, फिजिकली, सारे रूपों में एनर्जीज आपका साथ देंगी. पहली चीज़ तो इस चीज़ का शुक्राना करो, ग्रैटिट्यूड रखो कि आप यू नो हेल्दी हो, हैप्पी हो, पॉजिटिव हो, मन तंदुरुस्त है, शरीर तंदुरुस्त है. बस बाकी जो आगे आपने अपनी मेहनत से पैसे को, रिश्तों को मैनिफेस्ट करना है, वो प्रभु अपने आप करेंगे, आप अपनी कोशिशें जारी रखो. बट आई सी लॉट ऑफ ब्लेसिंग्स एंड पॉजिटिविटी इस हफ्ते में. देखो इस हफ्ते मुझे एनर्जी दिख रही है, आपके अंदर एनर्जी दिख रही है, चाहे आप हाउसवाइफ हो, स्टूडेंट हो, जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, डजंट मैटर. जब तन, मन और शरीर में एनर्जी हो ना, तो बंदा कुछ भी कर लेता है. ठीक है, अ फायरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस. जेमिनीज, बिलीव इन द इम्पॉसिबल. जेमिनीज, आई लव इट. तो जेमिनीज, गेट रेडी. नो, जैसे टैरो कार्ड्स बात कर रहे थे, सेम यू नो गाइडेंस कार्ड्स भी आपके लिए आ गए, एंजल कार्ड्स, जो कह रहे हैं अ फायरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस. यू नो फाइनली जो आप इतने टाइम से वो क्लाइमैक्स का वेट कर रहे हो कि यार ये कब होगा, वो कब होगा, ये अपॉर्चुनिटी कब आएगी, वो कब होगा, समवेयर आई सी कि कुछ मोमेंटम अब बनता हुआ दिख रहा है, कुछ चीज़ें आपके लिए होती हुई दिख रही हैं. बिलीव इन द इम्पॉसिबल. अभी तक आपको लग रहा था ना यार ये होगा, नहीं होगा, कब होगा, कैसे होगा, क्या होगा, छोड़ दो. बिलीव इन द इम्पॉसिबल. शायद जो आपका सपना इम्पॉसिबल है वो होता हुआ दिख रहा है और होने वाला है एट द डिवाइन टाइमिंग, बट इंडिकेशन स्ट्रांग है टू बी पॉजिटिव एंड हैप्पी. तो ये मैसेजेस आप लोग के आए हैं मिथुन राशि. वेरी वेरी गुड एंड पॉजिटिव रीडिंग. कमेंट बॉक्स में ज़रूर येस लिखिएगा अगर रीडिंग से कनेक्ट हुए हैं, बताइएगा. ओके, चलते हैं हमारी अगली राशि की ओर, जो है कैंसर. कैंसर राशि वालों के देख लेते हैं क्या गाइडेंस और क्या मैसेजेस आ रहे हैं. ओके, कैंसर्स क्या बात है. देखो कैंसर, सबसे पहली चीज़ तो द नाइन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड्स आ गए, जो आपको ये समझाना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं फ्यूचर को लेके आप परेशान हो, स्ट्रेस्ड आउट हो, नेगेटिव थिंकिंग हो रही है, आगे बढ़ना चाहते हो बट डर रहे हो कि क्या पता वो वर्कआउट होना हो. सेकंड जो कार्ड है दैट इज़ दी किंग ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड है. सो मिड वीक एंड एंड ऑफ द वीक में किसी ना किसी रूप में फाइनेंशियल हेल्प, अपॉर्चुनिटी, आइडियाज़ आते हुए आपके पास दिख रहे हैं. बट हफ्ते की शुरुआत में आप डल, लो फील कर सकते हो, आपको लग सकता है यार ये चीज़ें क्यों नहीं हो रही, कब होंगी, कब मेरे काम बनेंगे. नेगेटिव थॉट्स एंड फियर आपको ब्लॉक कर सकता है. बिल्कुल भी टेंशन मत लेना कैंसर्स, ट्राई योर बेस्ट, गो अहेड विथ पॉजिटिव माइंडसेट. आप ये सोचो जो हुआ अच्छा हुआ, मेरे साथ आगे मेरे साथ भगवान है, आगे भी अच्छा ही होगा, हिम्मत बनाकर आगे बढ़ो, सब कुछ बढ़िया होगा. बिकॉज ये सिर्फ आपके दिमाग और मन का डर है, रियलिटी में कुछ भी आपके साथ नहीं होगा. ये एक साइन है, बिकॉज ये जब भी कार्ड आता है ना, ये वो एक इंडिकेशन देता है कि बंदा जो भी सोच रहा है वैसा कुछ भी नहीं होगा, सब कुछ आगे अच्छा होने वाला है. तो पॉजिटिव रहो, आगे बढ़ो, ये इंडिकेशंस है. ओके, रेस्ट, ये जो दो कार्ड्स हैं ये फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी को इंडिकेट करते हैं बट इन अ वेरी डिफरेंट वे. आपको चैरिटी भी करनी चाहिए. कैंसर्स, आई नो आप ऑलरेडी बहुत चैरिटी करते हो बट ये हफ्ते और टाइम निकाल के काउस को, ह्यूमंस को, डॉग्स को, जैसे भी आपको लगे, ज़रूर चैरिटी करना. बट किसी ना किसी रूप में आपके पास में पैसा आता हुआ दिख रहा है, कैसे भी करके हेल्प आती हुई दिख रही है. चाहे आप लोन के लिए देख रहे हो तो लोन आता हुआ दिख रहा है. फाइनेंशियली किसी भी रूप में पैसे की रोलिंग आपकी हो जाएगी इस हफ्ते, ये दिख रहा है. चाहे आप जॉब में हो, बिजनेस में हो, जैसी भी स्थिति है, I do see some positive blessings. आगे अब हम गाइडेंस कार्ड्स भी देख लेते हैं आप लोगों के लिए क्या आ रहे हैं कैंसर्स. ब्रिंग लव इन टू द सिचुएशन. ओ माई गॉड कैंसर्स, वर्क थ्रू योर फियर्स. जैसे मैं यहाँ पे कह रही थी ना कि जो भी आपके मन का डर है वो सिर्फ वहम है, ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है. तो गो अहेड, जस्ट डू जो आपका मन आपको करने के लिए कह रहा है. तो जस्ट वही यहाँ पे लिखा है दैट वर्क थ्रू योर फियर्स विद दैट ब्रिंग लव इन टू द सिचुएशन. देखो कहीं ना आपको कहा जा रहा है कि आपके लव रिलेशनशिप्स हों, आपकी नो चाहे पैसे की सिचुएशन हो, जो भी है, प्यार उसमें लाने की आप कोशिश करें, अपने आप से प्यार करें. पहले तो सेल्फ लव करो, सेल्फ कॉन्फिडेंस पर काम करो, देन आपको लगता है कि जो भी आपके लव रिलेशनशिप में अगर कोई इश्यूज़ है तो उनको सॉर्ट आउट करने की आप कोशिश करें. अगर आपको तो कुछ भी सॉर्ट आउट नहीं हो पा रहा, ये
सिचुएशन में प्यार कैसे लाया जाता है आपको नहीं पता है, तो बस एक काम करो, रोज सुबह उठकर शीशे में जाकर देखो एंड कहो आई लव यू, आई ऑनर यू, आई अप्रिशिएट यू। इतना भी नहीं बोल सकते तो बस आई लव यू बोल दो, जब जब शीशा देख रहे हो अपनी आँखों में देख कर कहो खुद को आई लव यू। बस आपको अपने आप अपनी वाइब्रेशन शिफ्ट होते हुए फील होगी, चेंजेस महसूस होंगे एंड बहुत कुछ आप बढ़िया अट्रैक्ट और मैनिफेस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये ऑल ओवर गाइडेंस आप लोग के लिए आ रही है, बट ऑल ओवर जो मुझे स्पेशल मैसेज दिख रहा है दैट इज़ यू नो अपने फियर्स से आपको वर्क थ्रू करना होगा एंड जो भी मन में चिंता है उसको हटाकर आगे बढ़े। ये मैसेजेस आ रहे हैं आप लोगों के लिए फॉर दिस वीक, सो आई होप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए। कमेंट बॉक्स में बताना रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच। हेलो लियो साइंस, सो कैसा रहने वाला है लियोस के लिए हफ्ता, क्या मैसेजेस आ रहे हैं जान लेते हैं हम कार्ड्स की मदद से। ओके, देखो सबसे पहला जो कार्ड आया था नाइन ऑफ वॉन्ड्स का, और ये इस हफ्ते की रीडिंग में बहुत बार रिपीट हो रहा है, दैट इज सेकंड कार्ड है सेवन ऑफ पेंटिकल्स द हैंगमैन। अब देखो यहाँ पर हो क्या रहा है, सबसे पहला और आखिरी कार्ड एक कहानी आपके लिए बता रहा है कि लाइफ में ना आप शायद से स्टक हो कुछ सिचुएशंस को लेकर। देखो फॉर सम अगर आप अपनी तरफ से सारी कोशिशें कर चुके हो आगे बढ़ने के लिए एंड जो भी आपकी परिस्थिति उसको ओवरकम करने के लिए, अगर वो आपको लगता है उसमें उम्मीद है पॉसिबिलिटी, तो अब भी अपनी सारी जी जान आप उसमें लगा दें, बट आपको लग रहा है कि सब कुछ कर चुके और कुछ उसका रिजल्ट ही नहीं हो रहा, तो उसको समर्पण कर दो, छोड़ दो, बिकॉज ये टाइम ऐसा है कि बेबी स्टेप्स लेने का टाइम है, ना तो रुकने का टाइम है ना तो कम्प्लीटली एकदम बिना सोचे समझे एक्शन लेने का टाइम है, ये समय है फूक फूक कर कदम रखने का। मेरे नानू कहते थे कि ज़िंदगी ऐसी है कि हमेशा फूक फूक कर कदम रखो, कब कहाँ क्या हो जाए पता नहीं, इसलिए हर चाल चलने से पहले सोचो। कई बार हम बिना सोचे समझे कोई एक्शन ले लेते हैं, वो कुछ समय ऐसा होता है कि वो होनी लिखी होती है, बात अलग है, बट ये समय जो आपके लिए ना, जहाँ पर मैं सजेस्ट करूँगी कि आप मन में शायद आपको कोई चीज़ों की लेके चिंता भी है, नेगेटिविटी भी है एंड आपको नहीं पता आगे क्या होगा, क्या इसका रिलेशनशिप का, मनी का, जॉब का, जो भी आपने रिस्क लेने क्या है, बट सोच समझ के एक्शन लेने हैं इस हफ्ते, ये एडवाइस है। यहाँ पर देखो सेवन ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड है, बहुत ज़्यादा मेरे को एक एनर्जी फील हो रही है, दैट इज़ यू नो फॉर लियोज आप लोग मे बी जॉब चेंज करने का सोच रहे हो, करियर शिफ्ट का सोच रहे हो, कुछ अलग करना चाहते हो जो ऑलरेडी आप कर रहे हो, इस चीज़ में आप मे बी कन्फ्यूज भी हो, ये कन्फ्यूजन दिखाई देती है। बाकी फॉर सम मे बी अपने रिलेशनशिप में भी कन्फ्यूज एंड स्टक हैं, तो ये हफ्ता थोड़ा ओवर थिंकिंग कन्फ्यूजन का है ज़रूर। तो यहाँ पर जैसे मैंने आपको कहा ना कि जो आपकी रूटीन काम चल रहे हैं वो तो चलते रहेंगे, बट समवेयर थोड़ा कन्फ्यूज एनर्जीज दिख रही हैं साथ साथ में, ठीक है, तो वो प्रकार की एनर्जीज यहाँ पे। अब ना साथ में हम गाइडेंस कार्ड देख लेते हैं। देखो हेल्थ पर ध्यान देना है, हेल्थ इश्यूज छोटे मोटे रह सकते हैं इस हफ्ते। विद दैट एजुकेशन में जो हैं, जो लोग एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, स्टूडेंट्स हैं, उन लोग के लिए फोकस ज़बरदस्त आपको फोर्सफुल लगाना होगा। हो सके तो एमिथिस्ट क्रिस्टल पहनो या रख लो, बहुत हेल्प होगी, फोकस लगाने में आसानी होगी। आगे हम देख लेते हैं क्या आपके लिए गाइडेंस कार्ड जा रहे हैं। स्टेप आउट ऑफ योर कम्फर्ट जोन, एब्सोल्यूटली ये समय ऐसा है कि यू नो सरेंडर टू द डिवाइन। सो सीधा सीधा यू नो कार्ड्स ने आपको मैसेजेस दे ही दिए। देखो सिचुएशन ऐसी है, समर्पण तो करना ही है, ठीक है। अब देखो अब ट्विस्ट देखो आप, ठीक है, जहाँ पर मैं आपको टैरो कार्ड्स देख के समझा रही हूँ कि यू नो आप ये आपकी सिचुएशन ऐसी है, ना तो कम्प्लीटली रुक सकते हो, ना तो कम्प्लीटली गिव अप कर सकते हो, ना तो बिना सोचे समझे एक्शन ले सकते हो, यही हम बात कर रहे थे। अब यहाँ पर जो कार्ड्स आ गए उन कार्ड्स को भी आप देखो, यहाँ पर ये कार्ड कह रहा है स्टेप आउट ऑफ योर कम्फर्ट जोन, भाई अपने तू अपने कम्फर्ट जोन से निकल के आगे बढ़, और यहाँ पर कह रहे हैं कि डिवाइन को सरेंडर कर दें। मतलब ये क्या स्टोरी चल रही, तो मैं आप समझे, कई बार रीडिंग में ऐसा आता है कि आप ना इस टाइम पे कोई एक्शन मत लो, कई बार रीडिंग में आता है भाई तू एक्शन ले, कई बार आता है तो समर्पण कर दे, यहाँ पे दोनों चीज़ें साथ में हैं, इसीलिए मैंने कहा ना आप लोग के लिए एक ही थीम लाइन बन के आ रही, दैट इज़ फूक फूक कर कदम रखो, कदम आगे बढ़ाओ, एक्शन लो, बट सोच समझ कर स्टेप बाय स्टेप चलो। ये नहीं कि हाँ मैंने कर दिया नहीं हुआ ना तो फिर मतलब ये क्या बात होगी, भगवान क्या चल रहा है, नहीं, भगवान शायद आपको हज़ारों चीज़ों से बचा रहा है, आप अपनी तरफ से जो चीज़ करने के लिए डर रहे हो, घबरा रहे हो, उसके लिए सोच समझ के छोटे छोटे कदम आगे बढ़ाओ, और ये सोचो कि भाई ठीक है ट्राई तो करते हैं, रिस्क तो लेते हैं, हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो भी ठीक, उस प्रकार से अपने माइंडसेट को रखो, ना तो आउटकम से ऑब्सेस्ड हो जाओ,
ना तो अपनी थिंकिंग को लेके यू नो ओवर पावर हो जाओ. ओके, ये टाइप की एनर्जीज एंड रीडिंग आप लोग के लिए दिख रही है. सो एब्सोल्युटली कनेक्ट विद दिस रीडिंग. मुझे तो काफ़ी रेजोनेटिव लग रही है. अब आप मुझे नहीं बता आप लोग कितना कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाओ. ठीक है, तो बाकी कमेंट बॉक्स में बताना कितना रीडिंग से कनेक्ट हो पाए हो. ठीक है, तो ये मैसेजेस आए. बाकी देखो मनी फ्लो की बात करूँ, एवरेज है. जो लोग जॉब के लिए देख रहे हैं मे बी स्लो हो सकते हैं रिजल्ट. जो लोग ऑलरेडी जॉब में हो, बिजनेस में हो, पैसे कमा रहे हो, भाई फाइनेंसेस आपको ओके ओके चल लेंगे. कुछ खास एक्स्ट्राऑर्डिनरी पैसा मेरे को एक्स्ट्राऑर्डिनरी आता हुआ नहीं दिख रहा है, बल्कि ये मनी फ्लो थोड़ा सा जैसा चल रहा है वैसा ही चलेगा. ठीक है, तो ये एनर्जीज आई हैं आप लोगों के लिए फॉर दिस वीक. बाकी कमेंट बॉक्स में बताना रीडिंग कैसी लगी है. चलते हमारी अगली राशि की ओर जो है वर्गो. वर्गो राशि वालों के लिए देख लेते हैं क्या मैसेजेस आ रहे हैं. क्या बात है वर्गो. हफ्ते की शुरुआत और मिड तक एनर्जीज बढ़िया दिखाई दे रही हैं. पहला कार्ड आ गया तो थ्री ऑफ कप्स का, जो इंडिकेशन दे रहा है कि आप लोग के लिए अगर अब तक काम नहीं बन रहे थे, नहीं हो रहे थे, तो हफ्ते की शुरुआत में गुड न्यूज़ आती हुई दिख रही है. वर्गो साइंस के लिए काम बनते हुए दिख रहे हैं, पॉजिटिविटी है. सेकेंड कार्ड आया है हायोफेंट का. दोनों कार्ड्स कोई गुड न्यूज़ को इंडिकेट करते हैं किसी ना किसी रूप में, या तो आपकी लाइफ में, आपके खास घर परिवार के क्लोज रिलेशनशिप में कोई गुड न्यूज़ आ सकती है. कोई ना कोई डिवाइन ब्लेसिंग्स बनी हुई दिख रही हैं. जो लोग शादी के लिए देख रहे हैं शादी के योग बनते हुए दिख रहे हैं, रिश्ता पक्का होता हुआ दिख रहा है. जो लोग शादी के लिए एलिजिबल है, अपार्ट फ्रॉम दैट फ्रेंड्स फैमिली पेरेंट्स की हारमोनी अच्छी रहेगी इस हफ्ते. आपके घर में, दोस्तों में, आपके कलीग्स में, यू नो ऑल दैट वाइब ऑल ओवर अच्छी रहेगी. बट एंड ऑफ द वीक में थोड़ा सा तनाव भी दिखाई दे रहा है. टेन ऑफ वॉन्स के कार्ड आए हैं विच शोज की कुछ बातों को लेके नो आप थोड़े से ऐसे हो सकते हो जिससे सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है, बहुत बर्डन हो गया. तो थोड़ा सा ना एंड ऑफ द वीक में थोड़ा रेस्ट देना वर्गोस. ओवर वर्क मत करना माय डियर वर्गोस. आई थिंक आपकी लास्ट वीक की रीडिंग में या इस मंथ की रीडिंग में भी सेम एडवाइस आई थी, आई डोंट रिमेंबर. बट समथिंग वर्गोस के लिए एक्सट्रीम हार्ड वर्क कर रहे हो बट रेस्ट नहीं दे रहे हो, कुछ इम्बैलेंस कर रहे हो, ये एडवाइस ज़रूर आई थी. अदरवाइज इस हफ्ते एजुकेशन के लिए अच्छा है, रिजल्ट्स अच्छे आते हुए दिख रहे हैं, जॉब के लिए एनवायरनमेंट अच्छा दिख रहा है, मनी फ्लो अच्छा दिखाई दे रहा है बिजनेस ओनर्स के लिए. सो एब्सोल्युटली स्कोप अच्छा है इस हफ्ते, लॉट ऑफ पॉजिटिव थिंग्स का, बट फ्रॉम स्टार्ट टू मिड तक. एंड ऑफ द वीक ओके ओके सा रहेगा. आगे हम अब गाइडेंस कार्ड भी देख लेते हैं वर्गोस के लिए क्या दिख रहा है. इट्स टाइम टू टेक एक्शन. Prosperity lies ahead. Beautiful. Virgos जैसी energies थी हमें cards में जो देखने मिल रही थी. So somewhere I do see that कि वो प्रकार की energies यहाँ पर आपको देखने मिल रही है. So it's time to take action. तो yes, जो भी आप कर्म कर रहे हो, action लोगे इस हफ्ते में, शुभ माने जाएंगे, success आती हुई दिख रही है. And somewhere दोनों ही new moon के cards है, तो something आप new energy feel कर सकते हो, shift कुछ new शुरुआत करना चाहते हो, नई चीज़ें हैं, money abundance prosperity भी दिख रही है. Okay, so ये all over vibrations आप लोग के लिए दिख रही हैं. I hope इससे आप connect and resonate हो पाए हो. So comment box में बताना reading कैसी लगी है. मुझे तो ज़बरदस्त लगी आप लोग की reading वर्गोस. comment box में बताना reading कैसी लगी है. थैंक यू सो मच. चलते हमारी अगली राशि की ओर जो है लिब्रा. लिब्रा राशि वालों के लिए देख लेते हैं क्या गाइडेंस और क्या मैसेजेस आ रहे हैं. ओके लिब्रास, हफ्ते की शुरुआत में किसी ना किसी प्रकार की एफर्ट्स आप इन्होंने ज़्यादा लेते हुए दिख रहे हो, जबकि लेने भी पड़ेंगे. स्ट्रेंथ के कार्ड्स आ गए हैं. शनि का साढ़े सती का कार्ड भी माना जाता है, बट नॉट एग्जैक्टली साढ़े सती आप लोगों के लिए बिकॉज एक जनरल रीडिंग है. बट हफ्ते की शुरुआत में ना आपको ना लाइफ स्ट्रगलिंग लगेगी, एफर्ट ज़्यादा लगेंगे. मे बी कोई टॉक्सिक पर्सन को डील कर रहे हो ऑफिस में, बिजनेस में, क्लाइंट्स के रूप में, या यू नो इन योर
घर गृहस्थी में हो सकता है, तो वो एनर्जीज यहाँ पर दिख रही है। ऑल ओवर आपके अबंडेंस मनी फ्लो आपको थोड़ा सा स्लो लग सकता है। मिड वीक के जो कार्ड्स हैं आप लोगों के लिए, क्वीन ऑफ कप्स के कार्ड्स है जो कि बहुत ही पॉजिटिव और शुभ कार्ड दिख रहा है आप लोगों के लिए, ब्लेसिंग्स आते हुए दिख रही है मनी वाइज। एंड ऑफ द वीक के जो कार्ड्स है द टू ऑफ कप्स, बोथ दोनों कप्स के कार्ड है, तो शादी के योग यहाँ पे है जो लोग शादी के लिए एलिजिबल है। लव रिलेशनशिप में रिकन्सिलेशन है, लव रोमांटिक वे से ये हफ्ता काफ़ी अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। वहीं फाइनेंशियली बात करो तो फाइनेंशियली भी अबंडेंस दिख रही है, काम का फ्लो बढ़िया रहेगा आपके आसपास, यू नो मन में शांति रहेगी, सुकून से अपना काम कर लोगे। मिड वीक से पॉजिटिविटी है, सिंपल है, हेल्थ बढ़िया है, नो नीड टू वरी। एंड डाइट अच्छी खाइएगा इस हफ्ते, हेल्दी फ्रूट्स वेजिटेबल्स ज़रूर खाओ, उससे आपको बहुत ज़्यादा बेटर फील होगा इन योर हेल्थ वाइटालिटी एंड एनर्जी लेवल्स में भी, ओके। एंड अगर कोई आर्ग्यूमेंट इश्यूज चल रहे थे तो वो रिजॉल्व होते हुए दिख रहे हैं अभी। आगे हम और भी आप लोग के लिए गाइडेंस कार्ड निकाल लेते हैं कि क्या मैसेजेस आ रहे हैं फॉर लिब्राज। Balance, spirituality and practicality, beautiful. Show the world real you. Okay. So देखो यहाँ पर सबसे पहला कार्ड है spirituality और practicality balance करो। ये पता है क्यों आया आप लोगों के लिए, honestly लिब्राज मैं आपको बताना चाहूँगी, इसीलिए आया because शायद से आप अपने relationship में या अपने कोई जीवन की स्थिति में शायद से ना आप हद से ज़्यादा लोगों को offer कर देते हो। जैसे कि यू नो जब आपको ज़रूरत है तो इंसान अवेलेबल नहीं है, लेकिन जब दूसरों की ज़रूरत है आप ओवर अवेलेबल हो एंड ओवर इमोशनल होकर काम कर लेते हो, बट प्रैक्टिकल नज़रिए से नहीं सोच रहे हो। तो प्रैक्टिकल और स्पिरिचुअलिटी कहते हैं ना कि किसी की मदद करो बट अपनी बुद्धि और एक्टिव माइंड से करो, ठीक है, वो बहुत ज़रूरी है। एंड अपनी लाइफ में आप माया के रूप में जो भी पैसा आकर्षित करना चाहते हो, जो भी मैनिफेस्ट करो करो, कोई टेंशन नहीं है। पर साथ में ये भी मन में ध्यान रखो कि ये सब करता धरता ये सब प्रभु का ही खेल है, ये शरीर, ये दुनिया, ये पैसा, ये माया, कुछ भी हम लेके नहीं जाएंगे तो हमारा कुछ भी नहीं है रियलिटी में। तो समवेयर एक स्पिरिचुअलिटी की आँखों से भी देखें, उससे आपके लिए हफ्ते में ज़्यादा अवेयरनेस विजडम आएगा एंड ज़्यादा अच्छे तरीके से चीज़ों को समझ पाएंगे। शो द वर्ल्ड रियल यू, अपनी पर्सनैलिटी को किसी भी पर्सन के लिए कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। अगर आप कोई काम करना चाहते हो बट अंडर कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो तो ये आपके लिए एक साइन है कि जो भी आप अपने आप को यू नो अंदर से मानते हो कि येस आई एम दिस पर्सन, मुझे इस तरीके से जीना है, डेफिनेटली दुनिया को वो आप दिखाएं जो आप इनसाइड अंदर में फील करते हो, तो वो कॉन्फिडेंस आपको दिखाना होगा बाहर के लोगों को, ठीक है। सो ये एडवाइस आप लोगों के लिए आई है, तो अपने आप को यू नो पीएम मत सोचो कि सामने वाला क्या सोचेगा ये करूँ तो वो क्या कहेगा, दुनिया की मत सोचो, ये एडवाइस है इस हफ्ते आप लोगों के लिए। रेस्ट वीक अच्छा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, बहुत ज़्यादा मुझे कुछ नेगेटिव ऑब्स्टिकल्स नहीं दिखे हैं, इट स्मूथ रहेगा ये हफ्ता आप लोगों के लिए, ठीक है। रेस्ट चलते हैं हमारी अगली राशि की ओर जो है स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो राशि वालों के लिए देख लेते हैं क्या गाइडेंस एंड क्या मैसेजेस आ रहे हैं माय डियर स्कॉर्पियंस। स्कॉर्पियंस द नाइट ऑफ वॉन्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, द सिक्स ऑफ कप्स, ये एनर्जीज आप लोग के लिए बता रहे हैं कि आप अपनी लाइफ में शायद बहुत एफर्ट्स डाल रहे हो टू अर्न मनी, अगर बिजनेस में हो तो जॉब के लिए देख रहे हो, पढ़ाई के लिए बहुत एफर्ट्स डाल रहे हो, बट रिजल्ट शायद से आप लोग को स्लो देखने मिले इस हफ्ते। पर समझ के चलना अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, अपॉर्चुनिटी शायद है भी, बट आप अपने आप को अपलिफ्ट करना चाहते हो अपने मे बी यू नो जो चार्जेस हैं या जो भी आप काम कर रहे हो उससे आपकी बड़ी एक्सपेक्टेशन है कि यार ये मुझे इतना मिलना चाहिए, मेरी ये ग्रोथ होनी चाहिए। पैशन से बड़ा आप काम कर रहे हो, अपनी बड़ी हिम्मत और मेहनत से आप काम कर रहे हो, नो डाउट इन दैट। बट एंड ऑल्सो इस टाइम पर जो आपको न्यू आइडियाज़ आ रहे हैं, न्यू मैसेजेस मिल रहे हैं, न्यू ब्लेसिंग्स मिल रही है, उसके ऊपर काम ज़रूर करो। बट ये समय है सिर्फ और सिर्फ वापस से एक नई शुरुआत करने का, वापस से कुछ न्यू आइडियाज़। देखो कई बार जॉब्स में, बिजनेसेस में, एजुकेशन में कहते हैं ना कि थोड़े थोड़े सालों के बाद में सिस्टम चेंज होता रहता है, अपने आप को भी अपग्रेड करना पड़ता है। कैसे यू नो सिचुएशन चेंज होती है, फॉर एग्जाम्पल आप कोई जॉब में हो, अगर आप अपने आप को अपग्रेड नहीं कर रहे हो तो आप पीछे रह जाओगे। तो एक यू नो कुछ ना कुछ न्यू स्किल्स आपको डेवलप करने पड़ते हैं, अपनी पर्सनालिटी आपको उभार के और लानी पड़ती है बाहर, तब जाके आप कंपटीशन को बीट करके आगे बढ़ पाते हो। तो स्कॉर्पियन से आपका वो टाइम चल रहा है जहाँ पे आप न्यू आइडियाज़, न्यू टूल्स, न्यू तरीके अप्लाई कर रहे हो, चाहे आप एक स्टूडेंट हो, चाहे आप एक बिजनेस ओनर हो, जॉब में हो, वॉट एवर इट इज़, ये टाइम ज़्यादा रिजल्ट्स के बारे में सोचने का, इनफैक्ट अपने स्किल्स बढ़ाने का है ताकि कॉम्पिटिशन सर्वाइव कर सको। ट्रस्ट मी,
अगर आप एक ही सिर्फ यू नो लूप में रह गए तो शायद पीछे रह जाओगे, तो बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है। उसके अलावा रिलेशनशिप हार्मनी दिख रही है इस हफ्ते, रिकनसिलेशन का ये हो गया अगर कोई रिलेशनशिप इश्यूज से, तो उसके अलावा रिलेशनशिप अच्छे भी रहेंगे, हेल्थ भी बढ़िया रहेगी, नो नीड टू वरी। बट आई डू सी ये वीक एवरेज है इन टर्म्स ऑफ पैसे आने के मामले में। अब देखो जो जॉब है, जॉब वाले उनको हर हफ्ते तो पैसा नहीं मिलता है, बिज़नेस ओनर्स है उनको मैं कहूँगी कि हफ्ता आप लोग अपने काम के ऊपर ज़्यादा एफर्ट डालो, ऑल ओवर पैसा आएगा बट कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं आएगा, एक एवरेज मनी ग्राफ आप लोग के लिए बना हुआ दिख रहा है। स्टूडेंट्स हैं आप लोग अपनी पढ़ाई करो, एफर्ट डालो, हेल्थ अच्छी रहेगी, फोकस अच्छा रहेगा, और क्या चाहिए, और क्या जानना चाहते हो हफ्ते के बारे में, हेल्थ बढ़िया रहेगी, रिलेशनशिप अच्छा हो गया है, तो वैसे कहने को हफ्ता अच्छा है बट कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी गुड न्यूज़ मेरे को नहीं दिखी है, वैसे ये हफ्ता आप लोग का बढ़िया बीत जाएगा। ठीक है, ये अब आगे हम गाइडेंस कार्ड भी देख लेते हैं क्या मैसेजेस आ रहे हैं। ओके देखो यहाँ पर यू नो ये मैसेजेस आप लोग के लिए आ रहे हैं कि नथिंग विल कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन एंड टेक टाइम टू ब्रीद आउट। अब ये दोनों कार्ड्स आपको और दोनों फुल मून के कार्ड्स हैं, ऑलमोस्ट यू नो फुल मून बना हुआ है, तो ये आपको क्या मैसेजेस दे रहे हैं कि आप अपनी लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन में, सिर्फ मैं कहूँगी 10% ऑफ स्कॉर्पियंस के लिए, 10% ऑफ स्कॉर्पियंस जो लोग अपनी लाइफ में एक ऐसी एनर्जी को एक्सपीरियंस कर रहे हैं जहाँ पे उनके लिए चीज़ें वर्कआउट बिल्कुल भी नहीं हो रही हैं, सब कुछ अटक चुका है, स्टक हो चुका है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तो वहाँ पर आपको ये समझना होगा कि ये जो सिचुएशन में आप हो, इस सिचुएशन से ज़्यादा आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो, तो या तो सिचुएशन से बाहर आ जाओ या तो कुछ न्यू ट्राई करो, तो ट्राई समथिंग न्यू, कुछ ना कुछ आपको नया तौर तरीका, नया प्रोसेस आपको ट्राई करना होगा। वही चीज़ टैरो कार्ड्स में भी दिख रही थी, वही यहाँ पर दिख रही है। एंड ऑल्सो टेक टाइम टू ब्रीद आउट, थोड़ा सा आपको यू नो वो थिंकिंग रखनी होगी कि चल भाई ठीक है, कई बार हमें लगता है ना यार पहले हमने इतने पैसे कमाए अब क्यों नहीं आ रहे हैं, पहले ही रिश्ता इतना अच्छा था अब इसको क्या हो गया है, पहले ही चीज़ इतनी बढ़िया थी तो अब अचानक क्या हो गया है। समवेयर रीचेक आपकी खुद की एनर्जी, आपकी घर की वास्तु की एनर्जी, आपके यू नो मे बी कोई उपाय शायद से जो आप पहले कर रहे थे अब नहीं कर रहे हो, तो कोई ना कोई एनर्जी शिफ्ट लाने की ज़रूरत होगी, तब जाके वो मे बी एनर्जीज चेंज आपको फील होंगे। अगर आपको लगता है कि नहीं मे बी नॉट दिस, तो जो भी आप अपने आप को थोड़ा रेस्ट दो अपने यू नो, अगर आप लूप पे की टेंशन 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 लेते जा रहे हो तो उसको ब्रेक दो, इतनी टेंशन मत लो। कई बार हम कहते हैं ना चीज़ों को जब छोड़ देते हैं भूल जाते हैं तो शायद वो अपने आप हो जाते हैं, आई नो ईजी नहीं है बट करना पड़ता है ना, क्या करें। तो ये भी मैसेजेस आ रहे हैं आप लोग के लिए, ठीक है, एंड भरोसा रखो चीज़ें बेहतर और ठीक हो जाएंगी। बट यस, भगवान का आप सिमरन करें, उन्हें याद करें, उन्हें सब कुछ पता है सबके जीवन के बारे में। ओके तो ये एडवाइजर मैसेजेस आए हैं फॉर स्कॉर्पियंस, आई होप इससे आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हो। कमेंट बॉक्स में बताना रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच। हेलो सजिटेरियस, धनु राशि, जान लेते हैं कैसा रहेगा ये हफ्ता, क्या मैसेजेस और क्या गाइडेंस आ रहे हैं। ओके सबसे पहला जो यहाँ पे कार्ड है द नाइन ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड है विथ फोर ऑफ पेंटिकल्स एंड द फूल। मैं कहूँगी धनुराशि आप लोग के लिए पैसा आता हुआ दिख रहा है, पैसे के योग है, अपॉर्चुनिटीज़ है, लेकिन एक चीज़ है ज़िंदगी में ना आप अब अकेले खुश रहना सीख रहे हो। अब ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना इससे कितना कनेक्ट हो पाए हो, चाहे आप मेल हो फीमेल हो डजेंट मैटर, बट लाइफ ना अब आपको समझ चुकी हो कि यार खुश रहना तो अकेले खुद को खुश करना सीखो। तो चाहे आप यू नो मैरिड हो, सिंगल हो, जो भी स्थिति है आपको पता है, चाहे आप मैरिड भी हो तो आपको पता है यार पार्टनर के साथ ना हमेशा हम हर चीज़ खुश नहीं रह सकते, कुछ चीज़ें हमें अपने लिए करनी पड़ेंगी अलग से तो जाके हम खुश रह पाएंगे। तो पहली चीज़ तो ये एक एंगल दिखता है, कुछ ना कुछ न्यू शुरुआत करते हुए दिख रहे हो, न्यू बिगनिंग्स आपकी लाइफ में दिख रही हैं एंड कुछ न्यू ट्राई करने जा रहे हो और वो सक्सेसफुल रहेगा। विद दैट मनी अपॉर्चुनिटीज अबंडेंस आप लोगों के लिए दिख रहा है। तो फोर ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड्स आए हैं जो कहते हैं कि मिड वीक में मनी का तनाव स्ट्रेस रहेगा, जहाँ पे आपको ये फील होगा यार पैसा थोड़ा कम आ रहा है, चीज़ें वर्कआउट नहीं हो पा रही हैं, ये एनर्जी एंड फीलिंग आपको रह सकती है मिड वीक में। मिड वीक में अब वो थोड़ा ऐसा होगा कि आप कहोगे कि यार स्टार्ट ऑफ द वीक में तो पैसे वाला कार्ड आया, मिड वीक में कम पैसा दिख रहा है। मैं आपको बताती हूँ ये जो पैसे वाली एनर्जी होती है जो टैरो कार्ड्स में आती है, तो ये समझाना चाहते हैं कि हफ्ते की शुरुआत में आप काफ़ी ज़्यादा मनी रोक को लेकर ऑप्टिमिस्टिक रहोगे, मे बी मनी की अपॉर्चुनिटी भी आ जाएगी, बट मिड वीक में उसी पैसे का खर्चा होता हुआ भी दिखता है, तो आपको लगेगा कि यार ये क्या हो रहा है, वहाँ से पैसा आता है, वहाँ से खर्चे भी हो जाते हैं, मतलब फिर चिंता मन में आ जाती है।
तो कहते ना हमारे पास चार पैसा आता है हम बड़े खुश हो जाते हैं, पैसा आ गया पैसा आ गया। वहीं जब खर्चे होने लगते हैं तो हमें मन में डर बैठने लग जाता है कि यार अब सेविंग कहाँ से होगी, अब ये कहाँ से मैनेज होगा, वो कहाँ से होगा, समथिंग लाइक दैट। वो वाइब्रेशंस आपको फील हो सकती हैं, ठीक है। बाकी अगेन आप अपनी पॉजिटिविटी बहुत बढ़िया से बनाते हुए दिख रहे हो, सो आई डू सी द फूल के कार्ड्स आए हैं। तो मैं कहूँगी ये जो मिड वीक का कार्ड है ना, इस पर ज़्यादा टेंशन मत लेना, खर्चों से घबराना मत। समटाइम्स यू नो कई बार हम जो सोचते हैं जैसा हमारा महीना बीते उतना भी अच्छा नहीं जाता है या उतनी अबंडेंस हम एक्सपेक्ट नहीं कर पाते, बट वो चीज़ कहीं ना कहीं भगवान को पता है एंड आगे जा करके वो चीज़ें बैलेंस हो जाती हैं। द फूल के कार्ड आए हैं, कुछ ना कुछ न्यू बिगनिंग्स न्यू अबंडेंस आपकी लाइफ में आता हुआ देख रहे हैं। अपने दिल की सुनो, दुनिया क्या कह रही है उसके हिसाब से मत चलना, आपका जो मन कहता है वो आप करो, उसमें आपको ज़्यादा सक्सेस और अबंडेंस मिलेगी, ठीक है। तो ये ऑल ओवर मैसेजेस आप लोग के लिए आए हैं, आगे गाइडेंस कार्ड्स भी देख लेते क्या आ रहे हैं। यू आर गुड इनाफ, अ विन विन आउटकम। सो डेफिनेटली इस हफ्ते जो भी आप काम करने जा रहे हो या प्लान कर रहे हो फ्यूचर में करने का, डेफिनेटली एक आज इंडिकेशन दे रहे हैं कि उसमें आपकी जीत होती हुई दिख रही है, विन विन आउटकम है, कुछ न्यू प्रोजेक्ट है, कुछ न्यू ट्राई करना है, न्यू रिस्क लेना है, डेफिनेटली सक्सेस है। एंड कार्ड्स आपको समझाना चाहते हैं दैट यू आर गुड इनफ, कॉन्फिडेंस अपना बढ़ाइए, आप अपना बेस्ट कर रहे हो, आप टैलेंटेड हो, आप यू नो अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाइए, सेल्फ पॉजिटिव एफर्मेशंस बोले, ज़रूर सक्सेस आती हुई दिखेगी। ओके माय डियर सैजिटेरियस, हेल्थ बढ़िया है, रिलेशनशिप में जैसे मैंने कहा बहुत ज़्यादा रोमांटिक कार्ड मुझे नहीं दिखे, बिकॉज अगर आप रिलेशनशिप में हो या नहीं हो आई डोंट नो, बट अपने आप में ही मौज में हो, अपने आप में ही खुश हो, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है धनुराशि कि वो मुझसे बात करेगा तो मैं खुश होंगी, वो मेरे से मैसेज करेगा देन आई विल बी हैप्पी, नहीं। आप अपनी लाइफ में सेट हो, खुश हो और अपने आप को खुश करना अब आपको आता है, ठीक है। ये एनर्जीज एंड ब्लेसिंग्स मुझे आप लोग के लिए दिख रही हैं, चाहे वो शॉपिंग है, जिस आप ना अपने साथ रहना पसंद करते हो तो ये मैच्योरिटी आपके अंदर आ रही है एंड अवेयरनेस आ रही है। आप कमेंट बॉक्स में बताना कितना कनेक्ट हो पाए हो, एंड दैट्स अ वेरी वेरी गुड थिंग। ओके सो रेस्ट, चलते हमारी अगली राशि की ओर, दैट इज कैप्रिकॉन। देख लेते कैप्रिकॉन राशि वालों के लिए क्या गाइडेंस एंड क्या मैसेजेस आ रहे हैं। कैप्रिकॉन्स, सबसे पहली चीज़ इस हफ्ते आप मूड स्विंग्स और ओवर थिंकिंग एक्सपीरियंस कर सकते हो, ना चाहते हुए भी कुछ बातों को लेके आपकी ना बड़ी ओवर थिंकिंग हो रही है, मन परेशान हो रहा है, रातों को नींद नहीं आ रही है एंड बहुत रेस्टलेस फील हो रहा है। द बेस्ट रेमेडी मैं आपको सजेस्ट कर सकती हूँ, बिकॉज एंड ऑफ द वीक में भी वही प्रभाव है, चंद्रमा का प्रभाव दिखाई दे रहा है, जो स्पेशली जो लोग 2/11/29 को बॉर्न हैं या 7/16/25 वो शायद से एनर्जीज को ज़्यादा एक्सपीरियंस करेंगे। द बेस्ट रेमेडी आपके लिए है कि अगर हो सके तो डेफिनेटली आप एमेथिस्ट क्रिस्टल पहनो या अपने पास में रखो, बहुत हद तक आपको पॉजिटिविटी फील होगी, नींद अच्छे से आएगी, स्ट्रेस नहीं फील होगा एंड यू फील मच मच बेटर। ओके ये एक एनर्जीज का फ्लो मेरे को आप लोगों के लिए दिखाई दे रहा है। अब हो सके तो डेफिनेटली आप अपनी तरफ से कोशिश करो स्पिरिचुअलिटी पॉजिटिव रहने की, ओके अपनी ज़्यादा ओवर थिंकिंग मत करो, इनफैक्ट हो सके तो किसी से शेयर कर लो, बात कर लो, मन को अच्छा लगेगा, ओके बट अकेले बैठ के मत सोचो। अच्छा हो सके तो आपको किसी से बात नहीं करनी तो बुक्स पढ़ो, वीडियोस देखो, मोटिवेशनल वीडियोस देखो, आपको बहुत बेहतर फील होगा। मत अपने मन से ना होप मत जाने दो, डेफिनेटली वो आपकी जो परिस्थिति है बदलेगी, चेंज होगी, बट इस वक्त के लिए उम्मीद मत छोड़ो, उम्मीद मत छोड़ो। यहाँ पर ये जो कार्ड्स आए हैं, कोई ना कोई पर्सन, शायद से आप किसी पर्सन को लेकर चिंतित हो कि मे बी वो आपको झूठ बोल रहा है कि सच बोल रहा है, कुछ ना कुछ आपको टॉक्सिक फील हो सकता है, तो उसके बारे में आप मे बी उससे बात करो, अगर बात नहीं कर सकते तो थोड़ा सा रुको, वेट करो, प्रॉपर प्रूफ्स आने दो तब बताना। अभी सब मकर राशि वालों के लिए नहीं है, 10% ऑफ मकर के लिए मैं पॉइंट कह रही हूँ। ओके तो ये एनर्जीज है, बाकी मूड स्विंग्स होंगे, कभी मूड अच्छा, कभी बहुत एक्साइटमेंट से कोई काम शुरू करो देन कम्प्लीटली डल हो जाते हो, ये एनर्जीज हैं। बाकी यहाँ पर आपको दी एम्परर के कार्ड आए हैं जो आपके लिए इंडिकेशन दे रहे हैं कि जो भी आप अपने काम करना चाहते हो, मिड वीक बड़ा एनर्जेटिक है, मिड वीक में कम्प्लीटली एनर्जी शिफ्ट दिख रही है, मिड वीक में काफ़ी डिसिप्लिन, आई नो बहुत अच्छे से सारा काम संभाल लोगे, कॉन्फिडेंस पॉजिटिविटी दिख रही है। कहते ना कि बाहर की दुनिया के लिए मकर राशि शायद से आप बहुत स्ट्रांग बोल्ड और एकदम परफेक्ट चल रहे हो, बट इंटरनली आप बहुत सारी चीज़ों में स्ट्रगल कर रहे हो, एंड बाहर के लोग आपको बड़ा स्ट्रांग समझेंगे भी बट इंटरनली शायद से आप स्ट्रगल कर रहे हो। तो ये एक शिफ्ट आप एक्सपीरियंस कर सकते हो इन दिस वीक, उपाय मैंने बता दिया, वो कर लेना, बहुत अच्छा फील होगा। एंड उसके अलावा अपना गाइडेंस मैसेजेस भी देख लेते हैं। रिलेशनशिप में अनबन इश्यूज रह सकते हैं, थोड़ा सा स्पेस रह सकता है आप दोनों के बीच में। फायरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस,
ओके देखो ये ऐसा टाइम है जहाँ पर चीज़ें बदलती हुई दिख रही हैं। देखो एरीज़ की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है इस हफ्ते, या तो आपकी लाइफ में कोई एरीज़ है या कुछ न्यू बिगनिंग का आप सोच रहे हो बट मन परेशान है कि करें कि ना करें। दूसरी चीज़ ये टाइम जितना हो सके आप अपनी सेल्फ केयर पे भी दो, ठीक है, एंड जितना हो सके आप अपने साथ में वक्त गुजारें, शांति से बैठें एंड अपने आप को ना थोड़ा पैम्पर करो, बहुत ज़रूरी है। तो वो आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी लाता हुआ दिख रहा है। ओके तो यस, ये वीक थोड़ा सा सेल्फ केयर वाला है, तभी मैं कह रही हूँ ना कि यहाँ पे आप जो फील कर रहे हो मूड स्विंग्स कहते हैं ना, आप इस हफ्ते ना थोड़ा अपने साथ अकेले अपने कमरे में बैठ के मे बी जर्नलिंग करोगे, कुछ काम करोगे, कुछ लिखोगे, वो प्रकार से आप अपना समय बिताते हुए दिख रहे हो, ठीक है। तो ये मैसेजेस एंड ब्लेसिंग्स आप लोग के लिए आ रहे हैं फॉर दिस वीक, सो आई होप आप इससे कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हो। कैप्रिकॉर्न्स कमेंट बॉक्स में बताना रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच। हेलो एक्वेरियस, तो जान लेते क्या मैसेजेस और गाइडेंस आप लोग के लिए आ रहे हैं। ओके सबसे पहला जो यहाँ पे कार्ड आया द फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स, द नाइन ऑफ वॉन्ड्स एंड द टेन ऑफ कप्स, ये आपको इंडिकेशन दे रहे हैं कि अगर हो सके तो आप अपनी लाइफ में इस हफ्ते, अच्छा नाइन ऑफ वॉन्ड्स इतना रिपीट हुआ है ना इस हफ्ते की रीडिंग में एक्वेरियस, क्या बताऊँ, ऑलमोस्ट 12 राशियों में से 6 से 7 राशियों में नाइन ऑफ वॉन्ड्स आ गया है। मतलब इतना इस हफ्ते में भी लोग कुछ नया करना चाहते हैं, सोच रहे बट कर नहीं पा रहे हैं, तो आपके लिए भी एक्वेरियस की रीडिंग आई है एंड साथ ही साथ फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स के कार्ड्स आए हैं। तो आपके लिए कुछ हफ्ते में ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप अपनी लाइफ में ना ऐसे सिचुएशन में हो जहाँ पर आपने पास में बड़े धोखे खाए हैं, अब आपको फिर से टेंशन है कि यार फिर से मुझे धोखा ना मिले, चाहे वो रिश्ते हैं, काम है, मन में एक डर है यार ये दुनिया बड़ी अनप्रिडिक्टेबल है, आपके मन में ये विचार आता है बहुत बार। बट ट्रस्ट मी, जो भी आपके मन की चिंता है ये थोड़ा ना स्टार्ट और मिड वीक आपको स्लो लगेगा, मन थोड़ा परेशान रहेगा, थोड़े घर में भी अनबन हो सकते हैं, फाइट्स हो सकती हैं, इश्यूज हो सकते हैं, थोड़ी सी क्लैशेस रहेंगे, बट एट दी एंड बाय एंड ऑफ दी वीक में फाइनेंशियल एंड फैमिली हैप्पीनेस आती हुई दिख रही है, ठीक है। ये एक पॉजिटिव कार्ड आ गया जो कह रहा है कि भैया ठीक है स्टार्ट और मिड तक थोड़ा तनाव स्ट्रेस रहेगा बट बाय एंड ऑफ दी वीक में चीज़ें सुधरती हुई दिख रही हैं। अपनी हेल्थ का आपने ध्यान देना है, फिजिकल एक्टिविटी करो, डाइट अच्छी खाओ, डिसिप्लिन लेके आओ, लेजीनेस मत करो एंड टॉक्सिक लोगों से दूर रहो एंड अपना काम होने तक किसी को मत बताओ, ये बहुत ज़रूरी है। रेस्ट एक्वेरियस और गाइडेंस कार्ड भी देख लेते क्या आ रही है। बिजनेस न्यूट्रल रहेगा, एंड ऑफ दी वीक में बेटर एनर्जीज आपको देखने मिलेंगी। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड बैक, जैसे मैंने कहा ना पास्ट में धोखे खाए हैं बहुत, अब मन में डर है वापस ना आए, ठीक है। तो ये देखो वो ये बोल रहे हैं कि अपने पास्ट को आपके फ्यूचर के ऊपर प्रभावित मत होने दो। ओके जो हो गया उसे भूल जाओ, फ्रेश एनर्जी से ट्राई करो, कोशिश करो एंड उसी का नाम जिंदगी है। एंड रेस्ट, अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग, अ न्यू ब्लेसिंग इज कमिंग। देखो कितना ब्यूटीफुल दोनों कार्ड्स के कॉम्बिनेशन है। ये आपके पास्ट की एनर्जीज एंड ब्लॉकेजेस के लिए आपको समझा रहे हैं गाइडेंस कार्ड की, नो डू दिस वे हेल्पफुल होगा एक्वेरियस। एंड वहीं जो एंड ऑफ द वीक आते आते मैंने कहा ना ब्लेसिंग्स हैं या उम्मीद है या एक समवेयर यू नो आपको एनर्जी शिफ्ट फील होती है, तो ये वो रूप से आपके लिए गाइडेंस है कि डेफिनेटली वो ब्लेसिंग्स आती हुई दिख रही हैं आपके लिए, ठीक है। अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग फॉर यू, ओके, एंड डेफिनेटली ये पॉजिटिव साइन है आप लोगों के लिए कि अभी जो ब्लॉकेजेस फील कर रहे हो वो जल्दी बदलेंगे, चेंज होंगे एंड ब्लेसिंग्स आएंगी। सो यस एक्वेरियस, रीडिंग थोड़ी सी डल एंड एवरेज है स्टार्ट से मिड तक, बट देन एंड ऑफ द वीक में ब्राइट अपलिफ्टमेंट, रेनबो सिंबल आया है, तो डेफिनेटली शिफ्ट आपको फील होगा। अब देखो जो लोग जॉब में, ऐसा नहीं कि सडनली एंड ऑफ द वीक में प्रमोशन आ जाएगी, नहीं, बट यू विल फील दैट यू नो कि अब चीज़ें थोड़ी बेटर हैं, जो प्रॉब्लम्स थी वो थोड़ी सॉर्ट आउट हुई हैं, वो सारी एनर्जीज आपको फील होंगी। ओके एंड एजुकेशन स्टूडेंट्स के लिए ये वीक पे आपको अपनी तरफ से यू नो आपके आसपास बहुत डिस्ट्रैक्शंस रहेंगे, तो आपको एफर्ट डाल के फोकस लगाना होगा। जॉब के लिए देख रहे हो तो एंड ऑफ द वीक अच्छा है, हम स्टार्ट एंड मिड में इवेंट्स होते हुए नहीं दिख रहे हैं। बिजनेस व्यापार न्यूट्रल रहेगा, ज़्यादा एक्स्ट्रॉर्डिनरी नहीं है, बट येस ऑल ओवर ठीक ठाक रहेगा ये हफ्ता। तो ये मैसेजेस आए हैं फॉर एक्वेरियस। रेस्ट चलते हमारी अगली राशि की ओर जो है पाइसीस। पाइसीस देखो, बिजनेस वाले जितने भी हैं बढ़िया रहेगा ये हफ्ता,
एब्रॉड जाने वालों के लिए बहुत बढ़िया रहेगा, आप लोग के पेपर वर्क क्लियर होते हुए दिख रहे हैं। जो लोग एब्रॉड में हैं उन लोग के लिए भी बढ़िया समय रहेगा। जो लोग जॉब से एब्रॉड जाना चाहते हैं, जॉब देख रहे हैं अब्रॉड में, अपॉर्चुनिटीज़ देख रहे हो, आप बिज़नेस में कुछ प्लान कर रहे हो, जो भी आपकी इच्छा है उसमें आपके लिए बरकत आती हुई दिख रही है, काम आपके लिए बनते हुए दिख रहे हैं, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स हैं। एंड ऑल ओवर चाहे स्टूडेंट हो, करियर में, जॉब में, बिज़नेस में, बहुत अच्छी बरकत एंड ग्रोथ आती हुई दिख रही है आप लोगों के लिए। जो ये जो कार्ड है ना मिड वीक का, मिड वीक में इमोशनल हर्ट होता हुआ आपको दिख रहा है, किसी चीज़ को लेकर परेशान होते हुए दिख रहे हो, किसी ने आपको कोई बात बोल दी, दुखी हो गए, कोई बात आपको हर्ट हो गई, कोई चीज़ आपने सोची थी ऐसी होनी चाहिए नहीं हुई तो आप परेशान हो गए, तो ये वाइब्रेशंस भी आप फील कर सकते हो मिड वीक में। बट चलो कोई बात नहीं, 2-3 दिन के लिए रहेगा फिर हट जाएगा, बहुत बड़ा डीप हर्ट नहीं है, और बात को आप छोड़ भी देना अपनी तरफ से अगर हो सके, बिकॉज ये कार्ड कहता है कि लेट गो, आपके दिल का ख्याल आपको ही रखना होगा, किसी और का वेट मत करना कि वो आके आपको हीलिंग देगा या आपका दिल नो सलामत कर देगा, नहीं, खुद का दिल है, खुद को ही संभालना आना चाहिए, ये आपके लिए एडवाइस है इस हफ्ते, ठीक है। एंड करियर में आप अच्छा करते हुए दिख रहे हैं इस हफ्ते, हेल्थ भी अच्छी रहेगी, न्यू स्टार्ट इज कमिंग, ब्यूटिफुल, लक इज़ ऑन योर साइड, और क्या चाहिए पाइसेस, और क्या चाहिए, ये हफ्ते में कृपा अच्छी बनी हुई दिख रही है। अब देखो बहुत से लोग जब इस हफ्ते में कुछ नया करना ही नहीं चाहते हैं, जैसे मान लो एक रूटीन काम उनका चल रहा है, तो कुछ अलग सा आपके डिपेंड करता है कि आप मैनिफेस्ट क्या कर रहे हो, तो डिपेंड करता है, बट ऑल ओवर मेरे को एक वाइब्रेशन अच्छी दिख रही है, अच्छा रहेगा, लकी रहेगा ये हफ्ता, जो काम करने हो जाएंगे यू नो अच्छा खासा हो जाएगा, मिड वीक को छोड़ के, ठीक है। बाकी कुछ नया सोच रहे हो, करना चाहते हो, तो काम बनेंगे, आप अपने सामने ही देख लो, लक इज़ ऑन योर साइड के कार्ड आ गए, और न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग, ब्यूटिफुल रीडिंग आई है, बहुत ही बढ़िया स्ट्रॉन्ग एनर्जीज आप लोग के लिए दिख रहे हैं। ये 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स दोनों सक्सेसफुल कार्ड्स हैं, सो गेट रेडी, मेहनत करो, हार्डवर्क करो, स्टूडेंट हो, करियर में हो, जॉब में हो, बिजनेस में हो, जो मर्जी कर रहे हो, जो आइडियाज़ आ रहे हैं एक्सपांड करने की सोचो। मे बी आप ना फ्यूचर की प्लानिंग भी करो आने वाले 5 साल की, या आप अपनी तरफ से ये भी प्लानिंग कर रहे हो कि नो बिज़नेस या काम या जॉब को बढ़ाया जाए, सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम बनाई जाए, वॉट एवर ये टाइप की जो सोच आपके मन में चल रही है, सभी रूप में बरकत आती हुई दिख रही है, ठीक है। ये एनर्जीज आप लोग के लिए, अच्छा सिर्फ 1% ऑफ पाइसिस के लिए एक मैसेज देना चाहूँगी, 1% ऑफ पाइसिस, हाँ सब लोग अपने पार्टनर पर शक करना मत चालू हो जाना प्लीज़, 1% पाइसिस के लिए मैं कहना चाहूँगी, अगर आपको अपने पार्टनर के ऊपर शक है, डाउट है, कुछ अफेयर चल रहा है, कुछ भी एक्स वाई जेड है, सो डेफिनेटली उस पर आप पहले देखो, रिसर्च करो, जानकारी निकालो, तब कुछ कहना, बिकॉज देयर माइट बी चांसेस कि वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या जो अफेयर चल रहा है या जो कोई थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस कर रही हो, शायद सच में ही वो थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस कर रही है, बिकॉज थोड़े से मुझे वैसे इंडिकेशन दिखे, बट ये सब के लिए नहीं है, ओके। अगर आपको ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं है तो प्लीज़ अपने पार्टनर का जाके गला मत पकड़ लेना, ठीक है। तो ये एडवाइस एंड मैसेजेस आ रहे हैं आप लोगों के लिए फॉर दिस वीक, आई होप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए, कमेंट बॉक्स में बताना रीडिंग कैसी लगी है, थैंक यू सो मच।